अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत शानदार होने जा रही है। आज की वीडियो पाकिस्तान आर्मी की जॉब से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारे भाई पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी जो तलीमी काबिलियत है वो प्राइमरी पास से लेकर ग्रेजुएशन तक है। तो आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है। आज की वीडियो में आपको दो इश्तहार दिखाऊंगा, एक में पाकिस्तान आर्मी एनालाइज रेजिमेंट की जॉब्स हैं और दूसरी सिविलियन वेज जॉब्स हैं। इनके पहली में असिस्टेंट और डिफरेंट किस्म के बड़े अहदों की नौकरियाँ हैं, और दूसरे ऐड में छोटी किस्म की पोस्टें हैं, जिसमें कि वेल्डर, ART मैन, इस तरह की डिफरेंट लाइन की पोस्टें हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि आप इस पर अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे मिलेगा, क्या क्या फीस है और क्या प्रोसीजर है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले कि आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी मजीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। यह पाकिस्तान आर्मी एनालाइज रेजिमेंट जॉब्स 2020 है, जिसे अम्बुजी सेंटर गिलगित बल्तिस्तान में ये जॉब्स आई हैं। 1 नवंबर को ये ऐड आया और 25 नवंबर 2020 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 18 से 25 साल एज लिमिट है और 45 ईयर एज लिमिट उनके लिए जो कि रिटायर्ड कैंडिडेट हैं आर्मी के। जंग न्यूज़पेपर में यह ऐड आया। पाकिस्तान आर्मी की पोस्टें हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट, DAE और बैचलर तक इसमें तलीम मांगी गई है। लोकेशन गिलगित बल्तिस्तान की है, और इसमें जो इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें बताया गया असिस्टेंट की 15वें स्केल की 2 पोस्टें आई हैं। इसमें BA या BSc तालीम मांगी गई है, और आपकी 50 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे, और 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए आपके अदारे में। 18 से 25 साल एज लिमिट है। पंजाब और सिंध के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सुपरवाइजर की पोस्टें आ जाती हैं। 14वें स्केल की पोस्टें हैं। BA और BSc तालीम मांगी गई है, और इसमें भी 50 और 5 पाल में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। इसमें सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद सिविल खतीब की पोस्टें हैं। 14वें स्केल की 10 से निज़ामी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 18 से 25 साल एज लिमिट है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की 12वें स्केल की 3 पोस्टें हैं। FA या FSC तलीम मांगी है, और 70 वर्ड इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी है, जो कि आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और 18 से 25 साल एज लिमिट है। आप पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सिंध के। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की है। 30वें स्केल की पोस्टें हैं। 12वें स्केल की 3 पोस्टें हैं। BA और BSc तलीम मांगी गई है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। इसमें भी पंजाब और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट मैन की 11वें स्केल की पोस्ट है। इसमें आपका DAE का डिप्लोमा होना चाहिए, और 18 से 25 साल एज लिमिट है। पंजाब का कोटा है। इसके बाद लिखा गया मैथ सुपरवाइजर की 4 पोस्टें हैं 10वें स्केल की। इसमें मैट्रिक पास तलीम होनी चाहिए। पंजाब, सिंध और KPK के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। LDC की पोस्टें आई हैं। इसमें मैट्रिक तलीम मांगी गई है। 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और इसमें फाटा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? उम्मीदवार ने को जो दस्तखत के लिए 25 तारीख इसमें लास्ट है, आपको दरख्वास्त के बाद 500 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर बेनाम AQMGNLIG रेजिमेंटल सेंट्रल बोंजी मुस्लिक होगा, या 500 रुपये का आपको एक पे ऑर्डर बनवाना पड़ेगा। इसके साथ आपको अपनी एक तस्वीर, तलीमी स्नात, डिप्लोमा, शनाख्ती कार्ड और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें इसके साथ दरख्वास्त के साथ सबमिट करवानी पड़ेंगी इस पते पर AQMGNL रेजिमेंटल सेंट्रल बोलेंगी। अब बात आती है इसके दूसरे एडवर्टाइजमेंट की। ये सिविलियन बेस भर्ती हैं पाकिस्तान आर्मी में। इसमें गेट कीपर की 7वें स्केल की पोस्टें हैं पंजाब में। इसमें रिटायर्ड फौजियों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा मैट्रिक तलीम के साथ, एक असामी है। इसके बाद वेल्डर की पोस्टें आ जाती हैं। मैट्रिक तलीम और आपकी मुतलका शोबे में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है TRAINH, यानी कि HS टर्नर की आ जाती है। पंजाब के लोग इसमें भी मैट्रिक की तलीम मांगी गई है। स्किल्ड शूटर, इनके शूटर की मांगी गई है। इसमें 1 से 5 फीट की डिफरेंट असामी है। मिडल पास तलीम मांगी गई इसके लिए। उसके बाद ट्रेसर की है, इसमें मैट्रिक साइंस के साथ मांगी गई है, और 4 असामी है। इसके बाद सुपरविजर NT की है, इसमें मैट्रिक या मसावी तलीम होनी चाहिए जो टैल फौजियों के लिए। और इसके बाद बात आती है ब्लू प्रिंटर और फायरमैन और चौकीदार की पोस्टें। नीचे वाले जो 3 पोस्टें के लिए प्राइमरी और मिडल तलीम मांगी गई है, और जो सुपरवाइजर NT की 5वें स्केल की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास मैट्रिक की तलीम होनी चाहिए। बात आती है कि इस पर अप्लाई कैसे करना है। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट दी गई है, और गेट कीपर की पोस्ट के लिए 55 साल से ज़्यादा उम्र ना हो। फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो लोग तल रखते हैं उनकी उम्र को 3 साल की रियायत दी जाएगी उनको। और इसके लिए आपको 12 रुपये का अकाउंट टाइटल, इस अकाउंट टाइटल की डिटेल बताई गई है। इस पर आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, और ये आपको जो आपकी होगी एप्लीकेशन फॉर्म उसके साथ इसको सबमिट करवाना पड़ेगा। इस तरह का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपको फिल करके इसके पते पे सेंड करना है। पता इसके ऊपर लिखा गया 17 नवंबर इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आपको दोनों ये पोस्टें मिल जाएंगी।
तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। शुक्रिया।